Assalamualaikum friends, hello everyone, namaste, dawson se rakha, kaise hain aap log? मेरा नाम सहा है, मैं हूं मैं। अब देख रहे हो जिसका रिएक्शन जाना है, ऊपर जीरो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो कैसे मिलेगी। सबसे पहले आज की जो वीडियो लेकर आए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मतलब जो है ना तारिक फतेह साहब, जिनकी मतलब डेथ पिछले ही दिनों हो चुकी है, उनकी आज वीडियो लेकर आया। उनको बहुत ज्यादा मतलब इंडियंस, पाकिस्तानी तो नहीं, खैर इंडियंस बहुत ज्यादा उनको पसंद करते थे। उनकी और मौलाना है कुछ, उनका मतलब शो होगा जिसमें दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब पूछेंगे। बहुत ज्यादा मजा आएगा, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो। आपका स्वागत है। आज का मौजू है कि क्या ये प्रोग्राम जी न्यूज पे मौलानाओं के दबाव के तहत बंद कर देना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारे हिंदू दोस्तों ने हमसे कहा कि भाई एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था, उसमें कि औरंगजेब ने तो शियों को पर, उनके उलमा को पर भी काफ़ी जुल्म ढाया था। ये तो कभी हमने अब सुन रहे हैं, पहले तो मैं कभी सुना नहीं। जब मैं तारीख की बात बता रहा हूँ कि जब सिंध में हाश अपने उमैयद रूल हुआ, तो वहाँ दो किस्म के कानून आए जजिया पे। जो सिंध का कन्वर्टेड मुसलमान था वो जजिया देता था, ठीक है, और अरब नहीं देता था जी। और सिंध में उससे बचने के लिए बेतहाशा लोग, अब भी आप जाइए सैयद या शाह हैं। टैक्सेशन का इशू यही हुआ मिस्र में, ये हिस्टोरिकल इश्यूज हैं। इसमें आप अगर ले आएं कि एक जैसे इब्ने तेमिया ने कह दिया कि नॉन अरब अपने आप को अरब के साथ इक्वल करेगा तो ये गुनाह है, ये किताब में है बाकायदा, फतवे अब भी हैं आपके यहाँ मदरसों में पढ़ाया जाता है कि अरब जो है वो इज द चॉइस। फॉर एग्जांपल ईरान के अंदर रूलर हो ही नहीं सकता, सुप्रीम लीडर, अनलेस ही इज ऑफ अरब एंसेस्ट्री। एक काला जो इनकी पगड़ी है ये अरब एंसेस्ट्री से हैं तो ये काला पहनेंगे, अगर फारसी एंसेस्ट्री है तो सफ़ेद पहनते, दुरुस्त कह रहा हूँ, नीली हो तो वो तुर्कम होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि जब तक हम इंडिविजुअल लिबर्टी, नॉन ट्राइबलिज्म, नॉन सेक्टेरियनिज्म के अंदर इंसान की कदर नहीं करेंगे और उसको एलिवेट करेंगे डिफरेंट लेवल्स पे, वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। मौजूद पे कैसे आएंगे, बोल चुके आप, अब इनकी बारी है। शीबा आप बताइए कि ये प्रोग्राम फतेह के फतवा चलना चाहिए या इस पर बैन लगाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, चलना चाहिए, आप इस पर ओपिनियन दें। और थोड़ा सा बताइए कि ये जब एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आए किसी को कि वो किसी की बेटी को कहे कि वो रेप करके और इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व है, इसकी क्या वजह है, व्हाट इज़ एट द बॉटम ऑफ इट? जाहिर है कि ये अफसोसनाक चैप्टर जो जुड़ गया अभी अभी, उसके पीछे जब हम डिबेट नहीं कर पाते हैं तो उसके इधर उधर भागते हैं, जब इधर उधर भागते हैं तो उसमें यही इसी तरह की ज्यादतियाँ हो जाती हैं जो अभी आपके साथ हो गई। मेरी बात यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों या और भी कहीं के अगर हैं तो हम लोगों ने अपने यहाँ डिबेट के कल्चर को पनपाया नहीं है, हमारे यहाँ हायरार्कीज रही हैं, या हम किसी को अपने जूते तले रौन देंगे, किसी को अपने से इन्फीरियर मानेंगे, या कोई हमारा मालिक होगा। तो ये जो बराबर का रिश्ता, इज्जत का रिश्ता, एक दूसरे को एक नज़र से देखने का रिश्ता है, ये जो जमहूरियत की निशानी होनी चाहिए। फतेह के फतवे के नाम से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सैयद वाला जो जात का सवाल आया, देखिए ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर जात को ख़त्म करने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है, और जात का जिस तरह से जात की बर्तरी और इसके ऊपर बात हो रही, मुझे शर्मिंदगी है। पसमानदा मुसलमान जो इस वक्त देख रहे होंगे वो अपने आप को क्या सोच रहे होंगे कि हमारे अपने ये हमें पीछे रखने के, नीचे रखने के हामी है, हामी है। और मैं दोबारा कहूंगी, का कोई वजीफा नहीं है इसको, यहां कोटे में कुछ मिल रहा है हिंदुस्तान में? सैयद के वजीफा ये सुबह से सैयद के खिलाफ बोलने के लिए होती है, हायरार्की यहां होती है, देखिए हायरार्की यहां होती है, खड़ी हो गई सैयद के खिलाफ बोलने के लिए। मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूं, और खिलाफ तो बोलिए, ये देखिए सैयद कोई हरिजन थोड़ी है, सैयद कोई दलित थोड़ी है, सैयद का कोई कोटा मिलने के लिए जा रहा है। आइडियोलॉजिकल गुलामियां यहां पर पैदा की जाती है, और ये आइडियोलॉजिकल गुलामी का कह रही है कि इतना बड़ा राइट के खिलाफ जा रहा है, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, क्या पैगंबर है इस्लाम पर अटैक कर रहा है, 10 आदमी मुसलमान के पीछे इकट्ठे नहीं होते, बात करते हैं उलमा को, गलत कहने का सिविलाइजेशन है, किसी ने अटैक उमर फारूक के बारे में जो है कमेंट करना, ये क्या कहते हैं सिविलाइजेशन है, क्या क्या कहते हैं खुलफा राशिदीन पर अटैक करना सिविलाइजेशन है। मैं अभी आप कहता हूं प्रूफ की बात आप कर रहे हैं, मैं प्रूफ की बात कर रहा हूं, वो आदमी जो
गलत यहाँ पर हदीस पेश करता हो, क्या ये सिविलाइजेशन है कि हम इतने लोग हम आलिम बैठ करके हम गलत इनकी हदीस सुन ले? बुखारी शरीफ एक रवायत है, आपने प्रूफ मैं पेश कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ हदीस की सबसे ऑथेंटिक किताब है, बुखारी शरीफ मानते हैं आप या नहीं मानते हैं? उसमें कुछ है कुछ नहीं है? हाँ, कुछ कुछ है ना, मैं एक हदीस पढ़ के सुनाता हूं, जो झूठ है वो बता रहे हैं। हाँ, बुखारी शरीफ में भी झूठ है, है उसमें कई हदीस को भी नहीं मानते भाई, बहुत से शिया नहीं मानते, नहीं मानते, किसको मानते हैं हदीस की, कौन सी किताब को मानते हैं? अरे जो जो कुरान की उसमें है वो ठीक है, जो नहीं है हदीस को मानते हैं। अरे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? मैंने नौकरी नहीं करनी आपके, आप अपनी मुझे प्रूफ देने दीजिए, मैं पूछूंगा। आपने ये कहा, इन्होंने एक हदीस, आप मुल्लागिरी नहीं करें यहाँ। अरे आप कट मुल्लागिरी यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत देना है। अरे नहीं, ऐसे नहीं बात करें, बात नहीं, आप लोग नहीं करने देंगे, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। आपने एक रसूलुल्लाह की तरफ एक बात मंसूब की, रसूलुल्लाह की तरफ एक बात मंसूब की, सरासर कुफ्र है। मैं आपके काफिर होने को साबित करता हूं, यहां पर शिबा काफिर होने को साबित करता हूं, साबित करता हूं, आप सुनिए तो सही हदीस तो। अरे कहां वो बात कर रहे हैं, आपसे तो सवाल ही नहीं कर रहा। हमने एक साइकोलॉजिस्ट से भी पूछा कि ये क्या वजह है कि एक सही बात सुनने के बाद भी लोगों को उलझन होती है, क्या वजह है इसकी? तारिक फतेह साहब जिस क्लैरिटी से बात करते हैं, वो बहुत बार ऐसा लगता है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह की बातें करते हैं, जबकि हमें पता है कि पूरी दुनिया में लोग हर तरह के होते हैं। कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली रिजिड माइंडेड होते हैं, तो जिनको लगता है कि कोई भी बात जो वो सोचते हैं उससे अगर कोई हटके कोई कर रहा है तो वो उनका विरोधी है, या कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस जो कि सदियों से चलता आ रहा है, या जो हम ये बोलें लोग जो बहुत रिजिड माइंडेड मेंटेलिटी वाले हैं, वहाँ पर जब आप चैलेंज करते हो इन थॉट्स को और आपको लगता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है उसको अगर वो इस अंदाज से बोलता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, और तो दूसरा आदमी उसमें उस चीज़ को ऑफेंड, अपने आप को ऑफेंडेड फील कर सकता है। अंसार रजा साहब, ये बताइए, आपके साथ मैं कई प्रोग्रामों में बैठा हूँ, पहला जो शो हुआ उसमें भी आप थे, आपने कहा कि बहुत अच्छा शो चल रहा है, पहले और जो उसके बाद दो शो हुए हैं, इसमें क्या आपको नज़र आया जो आप सुप्रीम कोर्ट या IPL या कुछ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो ज़रा एक्सप्लेन करिए कि क्या आपने या कोर्ट को क्या कहना चाहते हैं आप कि क्यों ये बंद हो? देखिए, कोर्ट को हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, उसका जवाब कोर्ट हमें नहीं, क्या कहा है? मैं वही बता रहा हूँ जी, चूँकि पहले एपिसोड के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत तारीफें इस शो की हुई, हाँ, कि अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा एपिसोड जो आपका हुआ, कुछ बातें ऐसी निकल करके आई हैं जिसमें मौलाना साहब ने छड़ी ले ली थी मेरी, नहीं मैंने वो शो देखा नहीं मैंने। अच्छा, लेकिन जो मेरे आपने शो देखा नहीं? नहीं, मैंने शो नहीं देखा। तो फिर क्या? मैं वही आपसे बता रहा हूँ। उसके बाद जो बगैर देखे हुए आपने, आप पहले बोलेंगे तो फिर हम क्या? नहीं, मेरी गलती। ओके, हमारे पास जब फोन आना शुरू हुए, तकरीबन 3 दिन में 5,500 फोन आप निकाल के देख लीजिए हमारा जी, पूरी दुनिया से। हाँ, पूरी रात हम सो नहीं पाए, पूरा दिन हम परेशान, जिस तरह से गालियां हमको दी गईं, शो को गालियां दी गईं, मेहमानों को गालियां दी गईं, माँ बहन की दलाल कहा गया, RSS का दलाल, BJP का दलाल, इसका दलाल, खुद हम सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, जो भी हुआ। हाँ, क्या हालत हमारी हुई ये तो हमारा डॉक्टर बता सकता है। जो आपने कुछ चीज़ें जो हिंद मुसलमानी राजाओं के बारे में, शहनशाहों के बारे में जो आपने कहा है, जो माहौल इस वक्त पूरे मुल्क में बना हुआ है, तारिक फतेह साहब, चूंकि आप यहाँ से जाते हैं, होटल चले जाते हैं, होटल से किसी स्टूडियो में आप आ जाते हैं, आप बाहर निकल करके सुनेंगे लोगों को। हाँ, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, सबकी हिफाजत करे। हाँ, पहली बात आपने ये इतराफ किया कि आपने शो ही नहीं देखा। हाँ, तो बजाय इसके कि आप मुझसे पूछते क्या हुआ, ये जी से कहते शो दिखाओ, आप कोर्ट चले गए। दूसरी चीज, जो तारीखी वाकयात मैं बता रहा हूं आपको, उनकी जरूरत क्या है इसलिए, क्या जरूरत है इसीलिए? आप महमूद गजनबी को लेके आए, कासिम को लेके आए, औरंगजेब को ले, क्यों क्या जरूरत पड़ी? अभी कीजिए ना, अरे अभी बताइए कि किसने, किस बादशाह ने अपनी बहन के साथ निकाह किया, वो बताइए ना, वो बताइए। हिम्मत है आपके सामने,
मेरी बेटी के बारे में बात हुई, आप बैठे रहे, गुस्सा नहीं आया आपको? ये बैठा हुआ यहाँ, आपने ये तो इतराफ कर लिया कि आपने प्रोग्राम नहीं देखा, तो झूठ मत बोलिए। नहीं मैंने देखा ना, देखा मैंने प्रोग्राम बाद में देखा, तब मैं कोर्ट गया हूँ। मैंने नहीं देखा था, फोन आने के बाद। आप कैश में बातें क्यों कर रहे हैं? आप आराम से करिए ना। कैश में कर रहे हैं? अरे आपको नहीं पता, अरे आपको नहीं पता, आप बहुत कैश में हैं, आप बहुत ज्यादा, मतलब वाकई आपकी नसें फूल रही हैं। जब हमारे जब एक सहाबी को बेटी के ऊपर रखा जाएगा तो हम तमाशा देखेंगे। अरे मेरी बेटी है भाई, हमारे आप बेटे की बेटियां, मैं नहीं बेचता, हम नहीं बेचते बेटियां, 15 साल की बेटियां बेच रहे हैं। अरे साहब, सबकी बेटी की इज्जत होनी चाहिए, 15 साल की, चाहे वो आपकी हो हमारी हो, आपने नहीं की, सबकी इज्जत होनी चाहिए ना। मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपना प्रोग्राम बंद कर दिए, नाम बदलिए, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ आपके साथ। टीवी सीरियल चल रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं एक लास्ट में अपने सेंटेंस में कहना चाहूंगा हाँ, आपके प्रोग्राम से थोड़ा से जो पुरानी चीजें कुरेदी गई हैं, हमारी कम्युनिटी के अंदर बड़ी चीजें खुल के आई जो पहले कभी आई नहीं थी। जी, हमने सवाल करना शुरू कर दिया। थैंक यू सर। एक चीज मैं और बता दूं आपसे, मैं खुल के कहूंगा सबको, हमें अपने उलमा अकराम जो बैठे हैं सबसे मैं कहना चाहूंगा, डिबेट को डिबेट की तरह कहें, क्योंकि आप लोग खुद ही सबको सिखाते हैं, आप ही मदरसों से सबको सिखाते हैं। हम समझते हैं तहजीब महजब होकर के हमको डिबेट करना चाहिए, इतना एग्रेसिव ना हो, किसी पे जाती हमला ना करे, किसी बेटी पे या उस पर, कम से कम अपने मौलानों से, चाहे बगल में हमारा मौलाना साहब बैठे हो, चाहे उधर मुफ्ती साहब बैठो, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि कभी हावी होकर चिल्ला करके बात करके, उससे क्या होता है मैसेज गलत हुआ कि इनके तो मौलाना लड़ने लगते हैं जब कोई बात करो, बात नहीं कर पाते। बात आई तो आप तो खुद का कहते एग्रेसिव हो गए, लेकिन पूरे कौम की बात आएगी, जहाँ आपकी जाति बात आई तो खुद एग्रेसिव। जाति कौन सी बात आ गई? सैयद की बात आई? फतवा में ये जो इस तरह की डिबेट का प्रोग्राम है आपने सोचा है, इसमें मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो एक पूरी डिबेट है, कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होनी चाहिए मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, वो हो और खुले में बात हो, ठीक है? थैंक यू, टोटली एग्री विद दैट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो इस तरह की डिबेट्स होती हैं वो इंसान के जहन को लगें और वो जहन को खोलें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल को ना लगें, दिल को ठेस ना पहुंचाएं, ये इसका एहतियात एक चीज। लेकिन दूसरी बात ये है कि मेरी मुझे आपसे ये मुझे नाउम्मीदी ये हो रही है कि आपने हिस्ट्री के सवालों पर मौलानाओं से बहस कर ली। आप क्यों करेंगे बहस? आप हिस्टोरियन से बहस कीजिए, गलत बात नहीं, लेकिन आप इन पर ज्यादा कर रहे हैं, ये हिस्टोरियंस नहीं है, ये जज्बाती लोग हैं, इनके हीरो हैं वो हीरो ही बना के। देखिए एक बात, एक कोई भी आप मौलाना से बहस करेंगे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, तो फतवा पर इनको बात करने का क्या राइट है? अगर हिस्ट्री पर मुझसे बात नहीं करेंगे तो फतवा पर इनको उस पर बात करने का क्या राइट है? आप मौलानाओं पे हिस्ट्री पे बहस करेंगे, आप फार हो जाएंगे। आप कैसे फतवा पर बहस करने आ गए? नहीं आता। देखिए आज तक कोई मसला मौलाना ने हल करके दिया इस दुनिया में? मौलाना ने मसले बढ़ाए हैं सिर्फ, और इसको मत भूलिए प्लीज। मौलाना ने मसला हल किया है, टोटली एग्री 100%। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो देखा ही तारिक फतेह साहब और मौलाना जो हैं उनके दरमियान डिबेट हो रही थी, इनके दरमियान शायद पहले एक शो हुआ था फतेह का फतवा, मतलब ये एक शो जी न्यूज़ पे आता था, तो वहाँ पे जी एक शो हुआ होगा जिसमें मौलाना और तारिक फतेह साहब आए हों, उन्होंने हिस्ट्री के रिलेटेड कोई बातें की होंगी, जिसको लेकर फिर जो आएगी मौलाना इनको काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुननी पड़ी। तो अभी डिबेट हो रही थी कि इनका शो को बंद होना चाहिए या नहीं, तो कुछ लोगों का वो कहना था कि इनके शो को नहीं बंद होना चाहिए, कुछ का कहना है कि बंद हो जाना चाहिए। पता नहीं ये किस किस्म की शो में डिबेट करते, मैंने तो फर्स्ट टाइम है ऐसी कोई ना इनकी वीडियो देखी है। डिबेट कर रहे थे दोनों मिलके आपस में, एक दूसरे को मतलब बातें सुना रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो कोई सच्ची बातें होती है ना वो इंसान को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो मतलब उनको होता है कि अगर फर्ज करे शायद सामने आ गया, तो फिर कुछ लोग ना जानबूझ के भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहते हैं कि हम ये अभी मौलाना बोल रहे हैं, फतवा देने का हक सिर्फ हमें है, फतवा देने का हक हमें है। मतलब फतवा किस बात का आप लगाते हैं जब आपको खुद भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई भी इतनी ज़्यादा सही तरीके से कुछ पता ना हो? मुझे लगता है हर इंसान को सब चीज़ें नहीं पता होती। ये एक बंदा बोले ना कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो उससे बड़ा मुझे लगता है बेवकूफ़ कोई नहीं इस दुनिया में जो बोले कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि आप ज्ञान जितना मर्जी हासिल कर लेना वो हमेशा कम ही रहता है दुनिया में। बिल्कुल, आप हर उम्र में ही आपको सीखना चाहिए, हर एक किस्म का आपको इल्म सीखना चाहिए, क्योंकि इल्म बहुत ही ज्यादा होता है, इससे तो आप सारी जिंदगी पूरी जिंदगी हासिल करते रहे। तो अभी फतवे जारी कर देते हैं कि यार ये फतवा लगा दिया, वो फतवा लगा दिया, इनको फतवा का हक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मर्जी फतवा लगा देंगे। इस तरह से भी नहीं होना चाहिए, हर एक को अपनी एक लिमिट जो होती है ना उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर, इन दोनों के दरमियान जो भी डिबेट हो रही थी, इन दोनों के
मुसलमान हिस्ट्री से रिलेटेड ही वैसे डिबेट हो रही थी, क्योंकि ये जो तारिक फतेह साहब है ना, इन्होंने बात जो औरंगजेब ये वो जो थे ना बादशाह थे जो हुकूमत जो पहले की थी, क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान जो था पहले ये पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, फिर और भी कितने ज्यादा आसपास के बांग्लादेश उठा के देख ले और भी सारे कंट्रीज एक ही हिंदुस्तान हुआ करते थे। तो तब की वो बात कर रहे हैं कि वो जो आए थे वो आपको पता है कि यहाँ पे आ गए वो ज्यादा कुछ लूट के अरब से आए थे, वो लूट के लेके गए थे, लेकिन ये उनको अपना हीरो मानते हैं। तो डिबेट इस चीज़ की थी कि आप उनको हीरो क्यों मानते हैं जो आपके लुटेरे थे, वो लोग जो आप फर्ज करें हमारे घर से उठ के जो हमारे लिए कुछ करता है हीरो तो वो होना चाहिए, या फिर कोई दूसरे कंट्री से कोई आया है आके वो आपको लूट के ले गया हम उसको हीरो बना के रख दे, इस तरह से नहीं चलता। जो आके आप पे मतलब ताकत जमा के जब आप जैसे कि अंग्रेज आए थे उन्होंने आके आप पे दबाव डाल के हुकूमत की, क्या हम उनमें से किसी को हीरो मानते हैं? नहीं मानते ना। तो फिर जो मतलब अगर फर्ज करें किसी का मजहब इस्लाम है तो उसका मतलब ये है कि अगर वो उसने बुरे काम किया तो हम उसके हीरो मान लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में भी वैसे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे, हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है हीरो मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको हीरो मानने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को हीरो माने जिन्होंने आपके लिए कुछ किया हो, आपके कंट्री के लिए कुछ किया हो, आपके हक के लिए कुछ किया हो, वो हीरो बनते हैं। तो काफ़ी अच्छी डिबेट थी, कैसी लगी प्लीज़ बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।